हेलो फ्रेंड, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये मेरे अरेनियम का प्लांट है, ये मेरे ग्राफ्टेड अरेनियम का प्लांट है। आप देखिए इसमें कितनी जो है ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे कितनी सारी ग्रोथ आ गई है। तो ये ग्रोथ जो हो रही है हमारे अरेनियम के प्लांट में, इसे हम रखें या ना रखें, ये हमारे ग्राफ्टेड पौधे के लिए कहाँ तक सही है, इन बातों को जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगी वो आपके अरेनियम प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं जो मेरे ये ग्राफ्टेड पोर्शन है उसके नीचे जो है बहुत सारी ग्रोथ हो गई है, और ग्राफ्टेड के ऊपर जो है इस समय बड्स मेरे अरेनियम्स के और प्लांट में जो है फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये अननेसेसरी ग्रोथ की वजह से जो है मेरे अरेनियम के प्लांट में इस समय जो है फ्लावरिंग इस प्लांट में बिल्कुल नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो है हम अपने इस अरेनियम के प्लांट में जो ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे हुई है उसे जो है कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये जो अनवांटेड ग्रोथ होती है ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से जो ग्रोथ होती है, वो नीचे का प्लांट तो हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, लेकिन जो ऊपर का प्लांट है वो धीरे धीरे एकदम से कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ना ही उसमें फ्लावरिंग होगी ऊपर और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए जो है हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इस पौधे की केयर करनी पड़ेगी, ताकि जो है हमारा पौधा एक हेल्दी अरेनियम का प्लांट बना रहे। नहीं तो जो है अगर इस ग्रोथ को होने देंगे हम, तो जो है हमारा ऊपर का प्लांट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो है मैंने इस समय एक शार्प जो है कटर यूज कर रही हूँ, जो कि जिसे कि हम पहले जो है एक किसी भी जो है हाइड्रोजन परॉक्साइड से या डेटॉल से, सेवलॉन से, कॉटन की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार का इफेक्ट फंगस आदि का हमारे पौधे में न होने पाए, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, अननेसेसरी ग्रोथ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसे हमें जो है ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प जो है कटर की सहायता से देखिए साफ कर देना है, इसे बिल्कुल क्लीन कर देना है, और ध्यानपूर्वक जो है हमें इसे जो है बिल्कुल से अपने पौधे से निकाल देना है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपने पौधे में को जो है देखिए, अगर ग्राफ्टेड पोर्शन वाले जो है नीचे से जो है अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको बिल्कुल देर ना करते हुए कट करिए, ये मेरा पौधा मैंने ध्यान नहीं दिया है तो ये बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है देखिए हमने जो है चाकू की सहायता से, कटर की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। अब अरेनियम के प्लांट में कोई भी कट लगता है तब भी जो हमें एक बात का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो है इसमें जो है हम फंगिसाइड को जो है गोले जो है पानी डाल के एक घोल बनाकर पूरी जगह जो है लगा देना है जहाँ जहाँ कट हुआ है। तो इससे दोस्तों हमारा पौधा सुरक्षित हो जाएगा, इसमें जो है कट वाले पोर्शन से ही वो जो है फंगस आदि अटैक होने का डर बना रहता है। तो जो है हमारे पौधे में जो है हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे तो हमारा पौधा सुरक्षित बना रहेगा। और इसे जो है दोस्तों लिक्विड जो है वैक्स की सहायता से भी हम जो है इसकी जो है इसको सील कर सकते हैं। अब दोस्तों जो है इसको हम कट किए हैं तो इसके बाद हमें जो है इसको फंगिसाइड से जो है बिल्कुल जो है इसको जो है जहाँ जहाँ कट किए हैं वो लगा दे रहे हैं। देखिए जैसे मैं देख दिखा रही हूँ आपको, सारे प्लांट में जहाँ जहाँ कट हुआ है मैंने लगा दिया है। अब दोस्त को जो है मुझे आशा है कि मैंने इसके नीचे का जितना पोर्शन निकाल दिया है, अब इसके बाद इसमें जो है बडिंग और फ्लावरिंग ज़रूर होगी। तो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसको जो है बारिश का टाइम है तो इसे डायरेक्ट ऐसी जगह में ना रखें जहाँ ये बारिश का पानी इस पौधे पर डायरेक्ट पड़े, तो इसे 5-6 दिन के लिए जो है हमें शेड वाले एरिया में रख देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से करते हुए हम अपने ग्राफ्टेड पौधे के जो है ध्यान से देखें, और अगर ऐसी कोई अननेसेसरी ग्रोथ हो रही हो
तो उसे तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप भी जो है अपने गार्डन में जाइए, अपने प्लांट्स को देखिए, अगर ऐसे अननेसेसरी ग्रोथ हो रही हो तो उसको ज़रूर ध्यान देकर उसे रिमूव करिए। तो दोस्तों मेरे जो है एडेनियम का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।